इस अभियान के तहत दिनांक 23/7/24 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बाईपास सोलन सप्रून के नज़दीक एक गाड़ी नंबर HP14E0454 जिसमें दो लड़के जिनके नाम राजीव गुप्ता जो सोलन का है व अमित रावत जिसकी उम्र करीब 26 वर्ष है के पास चिट्टा हो सकता है। जिस सूचना पर पुलिस टीम ने इन दोनों युवकों को चेक किया तो इनके पास से 19 ग्राम चिट्टा प्राप्त हुआ। इन दोनों युवकों के विरुद्ध पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया व इन्वेस्टिगेशन जारी की। साथ ही दिनांक 25-26 जुलाई को पुलिस थाना सोलन को सूचना मिली कि चंबा घाट के नज़दीक बाबरा गांव में एक मकान में कुछ लड़के चिट्टा बेचने की फिराक में है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस मकान में रेड की तथा उस मकान से नितिन कुमार जो अर्की का रहने वाला है इसके साथ दीक्षित शर्मा साहिल जो सोलन के ही निवासी है को चेक किया तो इनके पास से करीब 6 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने इनके विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कर अन्वेषण जारी किया। इन दोनों केसों में अन्वेषण के दौरान एक चीज़ कॉमन आई कि ये दोनों पंजाब जो रोपड़ का एक निवासी हरप्रीत जिम्मी जिसके पास से इन्होंने चिट्टा लिया है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान हरप्रीत की लोकेशन ट्रैक की तथा उसको खरड़ मोहाली से अरेस्ट किया। पुलिस ने जब उसकी बैक ट्रैक और इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उसके विरुद्ध और भी केस चिट्टे के पंजाब में दर्ज है। पुलिस ने इन दोनों अभियोगों में 6 आरोपियों को अरेस्ट कर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस पुनः आगे की कार्रवाई आगे के लिंक्स देखने के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी की है। इसके साथ ही पुलिस ने पिछले एक वर्ष में करीब 100 से ज़्यादा बाहरी राज्यों के आरोपियों को अरेस्ट किया हुआ है जिसमें 8 आरोपी विदेशी नाइजीरियन मूल के हैं। पुलिस ने इस दौरान 30 से ज़्यादा अंतर्राज्यीय नेटवर्कों को भी ध्वस्त किया है जिसमें हजारों युवकों को चिट्टे की सप्लाई को अवरुद्ध किया है। हमारा आपके माध्यम से लोगों से यही अपील है कि अगर कहीं भी आपको इस तरह की संदिग्ध गतिविधि वाले व्यक्ति दिखते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सर जो ये रोपड़ से पकड़ा है ये नया लिंक निकला चिट्टे का क्योंकि कई आरोपी तो आपने पकड़े हुए सप्लायर थे। हाँ, ये नया लिंक निकला है। इस पे और इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। इस तरह के तो काफी होंगे जो सप्लाई कर रहे होंगे नए। इस तरह के हमने काफी 30 से ज्यादा जो अंतर्राज्यीय नेटवर्क थे उनको हमने ध्वस्त किया है। इसी तरह के वो नेटवर्क्स में काम करते थे। ये जो दोनों चारों आरोपी आपने पकड़े दो मामलों में ये पांच। हाँ, ये नहीं, ये रोपड़ से अभी तक का जो ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये लोग जो है रोपड़ उसी व्यक्ति से जो है चिट्टा ले रहे थे। और रोपड़ वाले का लिंक कोई निकला नहीं, इसका अभी इन्वेस्टिगेशन इस पे अभी जारी है। तो जो मेन आरोपी है उसके
आपने बैंक को डिटेल भी दी थी? नहीं, इसमें सभी का इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, जो भी डिटेल्स जो है बैंक से, इसका प्रॉपर्टी रिटर्न्स वगैरह सभी डिटेल्स जो हम ले रहे हैं। हाँ, इनको कोर्ट में पेश करके इनको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया है, 14 डेज के लिए जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया है।